गुड आफ्टरनून। फिर मैं वही नया सात शब्द लेके आया हूं, एंटोनिम्स, यानी कि उल्टा, राइट, इधर हो तो उधर, ऑपोजिट डायरेक्शन की जो बात होती है उसको बोलते हैं इंग्लिश में एंटोनिम्स। तो सात न्यू एंटोनिम्स लेके आए हैं, तुम लोग देखो। पहले है सिक्योर, सिक्योर करना मतलब उसको बांध लेना, उसको अपने कंट्रोल में रखना, उसको सिक्योर बोलते हैं। और इनसिक्योर मतलब वो असुरक्षित है, इनसिक्योर है। तुम बाहर में सामान पड़ा हुआ है उसको अंदर ले लिए तो सिक्योर्ड हो गया, और बाहर में रखे हुए कोई दूसरा उठा के ले गया तो इनसिक्योरिटी के कारण वो चोरी हो गई। तो मेक श्योर दैट यू हैव सिक्योर्ड एवरीथिंग बिकॉज यू डोंट कीप इट इनसिक्योर, राइट। तो सिक्योर, एस ई सी यू आर ई, सिक्योर। इनसिक्योर, सिक्योर का इन लगा दो, आई एन एस ई सी यू आर, राइट। फिर आते हैं प्रिविलेज, उसका ऑपोजिट होता है अंडर प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब मान लो कि बड़े बुजुर्ग या स्टूडेंट्स या महिलाएं, सबको प्रिविलेज दिया गया, सुविधा दिया गया, खाने का, पीने का, उठने का, रहने का, किताब पढ़ने का, अखबार पढ़ने का, टीवी देखने का, खेल कूद करने का, ठीक है। तो अंडर प्रिविलेज होता है जिसके पास कोई सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट भी बहुत बहुत जगह में कुछ काम कर रहे हैं लेकिन स्टिल दे आर इन ए ग्रुप ऑफ अंडर प्रिविलेज पीपल। मैं उन लोगों के लिए देखभाल करने वाला उतना कोई आदमी नहीं है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई सुविधा है। तो अंडर प्रिविलेज, जिसको प्रिविलेज नहीं मिला हो। फिर आते हैं टॉलरेंट, सहने वाला, ही इज अ टॉलरेंट मैन एंड ही इज वेरी इंटॉलरेंट। वो बर्दाश्त नहीं करता, झगड़ा करता है, इज्जत करता है, गाली गलौज करता है, इज इंटॉलरेंट, राइट। द टॉलरेंट, टी ओ एल ई आर ए एन टी, टॉलरेंट। और उसे इल लगा दो, इंटॉलरेंट, आई एन टी ओ एल ई आर ए एन टी, राइट, इंटॉलरेंट, आई एन टी ओ एल ई आर ए एन टी, इंटॉलरेंट। आते हैं फिर सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर फैसिलिटीज हमको स्कूल में कॉलेज में मिल रहा है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। तो कोई कहता है नो नो नो, आई एम रियली डिससेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट नहीं, ठीक है। सेटिस्फाइड का एस ए टी आई एस एफ आई ई, सेटिस्फाइड। और सेटिस्फाइड का आगे डिस लगा दिए, डिससेटिस्फाइड, डिससिमिलर पढ़ाया दिया आपको, डिससिमिलर, डिससेटिस्फैक्शन बोलते हैं। तो सेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फाइड हो गया क्या, आप उसको एडजेक्टिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वी टू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैसा सेंटेंस आप लिखते हैं। और डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आते हैं ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब शुभ घड़ी या शुभ दिन या शुभ मोमेंट या कुछ भी, हाँ, तो शुभ, तो हम बोलेंगे इट इज एन ऑस्पिशियस डे, आज का दिन बड़ा अच्छा है, गणेश चतुर्थी है या कुछ मोमेंट है, किसी इनके जन्मदिन है, महान नेता का जन्मदिन है, इट इज एन ऑस्पिशियस डे। राजेंद्र प्रसाद का बर्थडे हो, चाहे सरदार पटेल का बर्थडे हो, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे हो, ठीक है। तो ये होता है ऑस्पिशियस। इन ऑस्पिशियस मतलब बहुत अशुभ घड़ी, दैट वॉज अ वेरी इन ऑस्पिशियस मोमेंट व्हेन द कार मेट विद एन एक्सीडेंट एंड द पर्सन सैलेज मिस्त्री डाइड। टाटा के सैलेज मिस्त्री जो थे उनका ध्यान हो गया कार एक्सीडेंट में, तो वो मोमेंट क्या था, अशुभ घड़ी था। हम क्या बोलेंगे, दैट वॉज अ वेरी इन ऑस्पिशियस मोमेंट द कार मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही डाइड, राइट। काइंड, अनकाइंड, दयालु, जो दयालु न हो, इज अ वेरी काइंड मैन, ही ऑफर्स यू नो फूड एंड स्टफ टू द पुअर पीपल एंड ही इज वेरी अनकाइंड एंड सेल्फिश, राइट। स्वीट एंड सावर, स्वीट मतलब मीठा, हाँ मीठा है, और सावर मतलब खट्टा। लेकिन स्वीट जैसे एक तरह मीठा होता है, सावर बहुत तरह का होता है, नींबू का स्वाद और खट्टा का स्वाद और दूसरा स्वाद और तरह का स्वाद सब एक तरह नहीं होता है, कोई फल का स्वाद अलग होता है, कोई नींबू का स्वाद अलग होता है, तो उसको सब सावर बोलते हैं, स्वीट का उल्टा सावर है, ठीक है। ये रहा आपके सामने इन तमाम वर्ड जिससे आप 7 में 14 सेंटेंस बना तो सकते ही हैं। और इसमें कुछ और भी वर्ड आ जाते हैं, जैसे आप, जैसे ये सब सारे ज्यादातर हैं एडजेक्टिव हैं, तो आप उसको नाउन में कन्वर्ट कर दें, और सब वर्ड आप जानेंगे सीखेंगे। जैसे बताया डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन। तो ये तमाम चीज आपको करने के लिए अगर रात में दिन में आप प्रैक्टिस करें, अब यूं ही आपके इस तरह हाथ में आ जाएंगे।
और यहां यहां से सारा काम होता है। आप बटन दबाएं आपके सारे काम ऑटोमेटिक चलने लगेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैंने कई बार आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूं और ये वादा भी कर चुका हूं, कभी भी कोई दिक्कत हो मैं आपको मदद करूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप के जरिए आप फोन भी कर सकते हो, मेरा ईमेल आईडी भी है और मेरे व्हाट्सएप भी है, मेरे फेसबुक भी है, मेरे ट्विटर भी है, बहुत सारी लिंक्डइन भी है, लेकिन सबसे अच्छा होता है व्हाट्सएप, इजी एंड यू नो कंफर्टेबल है। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, सी यू सून अगेन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।